यार कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में बहुत सिंपल तरह से कॉल फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड ऑफ करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के डायलर में जाएंगे। डायलर में जाने के बाद यहाँ से आपको थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट का। कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिम वन पर क्लिक करना है। सिम वन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल फॉरवर्डिंग का। तो फ्रेंड, यहाँ से आपको कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करना है। कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी रिटिंग सेटिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड, जब तक आपके चार ऑप्शन एक एक करके ऑन नहीं रहती, उसे आपके लिए यहाँ से आपको वेट कर लेना है। हाँ सर, फ्रेंड देखिए, आपके सारे ऑप्शन ऑन हो चुके हैं। सबसे पहले आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऑलवेज फॉरवर्ड का, उस पर क्लिक करना है। आपको अपने जिस नंबर पे भी कॉल फॉरवर्ड ऑफ करनी है नंबर डायल करेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है टर्न ऑन का। तो यहाँ से फ्रेंड आपको टर्न ऑन पर क्लिक करना है। टर्न ऑन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपकी अपडेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड उसे के लिए यहाँ से आपको वेट कर लेना है। वेट कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से फ्रेंड आपके फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड ऑफ हो जाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड ऑफ कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।